हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक साइट विजिट। हम आपको एक साइट पे लेके चलेंगे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहाँ पे पार्किंग प्लस जी प्लस टू स्टोरी बिल्डिंग हम वहाँ पे रेडी कर रहे हैं। वहाँ पे जितना भी काम है हम उस चीज को आपको दिखाएंगे। हम दिखाएंगे किस तरीके से हम फॉल सीलिंग वहाँ पे यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम डिजाइन बना रहे हैं। 3BHK है आपका, जो आपका आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करते हैं तो किस तरीके से आप उस चीजों को कर सकते हैं, फिनिशिंग क्या क्या होती है, फॉल सीलिंग किस टाइप से आप लगा सकते हैं, लिफ्ट का काम किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो वो सारी साइट विजिट मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। आपके कुछ इस घर के फ्रंट लुक अगर आप देख पाएंगे तो कुछ इस तरीके से फ्रंट लुक दी गई है। 3 स्टोरी बिल्डिंग आपकी, नीचे पार्किंग है, फिर आपका ग्राउंड सेकेंड और फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर है। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी एंट्री लेते हैं तो आप देख पाएंगे बाहर का डिज़ाइन आप बना सकते हैं बड़ा अच्छे से। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो थोड़ा सा इसमें अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये गेट यहाँ पे लगाया गया है, स्लाइडर गेट है, एक बड़ा गेट है, एक छोटा गेट है, काफ़ी अच्छे से इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर हम यहाँ से एंटर करें तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कम्प्लीट पार्किंग स्पेस है। आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्किंग का स्पेस है। पार्किंग में भी POP डिजाइन किया गया है, फॉल सीलिंग का डिजाइन यहाँ पे बनाया गया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे इजिली फॉल सीलिंग के डिजाइन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी मेन एंट्री है, जो सबसे पहले लिफ्ट आती है। उससे पहले ऊपर जाए, उससे पहले मैं नीचे का दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वॉशरूम बनाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉशरूम है यहाँ पे। और उसके बाद आप बैक में देख सकते हैं कम्प्लीट आपका पार्किंग का डिजाइन है। चलो अब चलते हैं ऊपर की साइड, जिसकी एंट्री यहाँ से है। और यहाँ पे आपको देख पाएंगे ये लिफ्ट का है कंप्लीट, आप देख पाएंगे बिल्कुल इजीली। और उसके बाद हम चलते हैं ऊपर स्टेयर से। तो यहाँ से हमारी मेन एंट्री है घर के अंदर, 3BHK है। तो आप देखेंगे सबसे पहले लॉबी वाला पोर्शन है, जहाँ पे आप फॉल सीलिंग का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे हम लॉबी में एंट्री करते हैं तो एक हमारा रूम यहाँ पे दिया गया है। इसको आप ड्राइंग रूम भी यूज कर सकते हैं और आप इसे बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। इसमें सामने की तरफ डोर है और एक काफी अच्छी सी विंडो लगाई गई है। और आप अगर यहाँ पे फॉल सीलिंग के डिजाइन देखते हैं तो फॉल सीलिंग के डिजाइन बहुत प्यारे हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन स्पेस रखा गया है। और आप सबसे हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पे इसका किचन का पार्ट, इस टाइप पे यहाँ पे किचन बनाई गई है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ये किचन का एरिया है, इस पे आपका सेंटर टॉप आएगा और यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का प्रोविजन किया गया है। और यहाँ से आप बाहर का नज़ारा देखेंगे तो बहुत ही एक प्यारा सा नज़ारा है बाहर का, जो बाहर का एरिया है। और यहाँ पे बालकनी का पोर्शन छोड़ा गया है, इस तरीके से डिजाइनिंग की गई है। यहां से अगर हम अंदर चलते हैं तो यहां पे आप देख पाएंगे एक हमारा यहां पे रूम है और यहां पे फॉल सीलिंग आप देखेंगे, बड़ी प्यारा सा डिजाइन है फॉल सीलिंग का। और एक रूम हमने यहां पे बनाया और इसके लिए अटैच जो वॉशरूम है हमने यहां पे रेडी किया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और यहां पे है बालकनी वाला एरिया, ये कंप्लीट बालकनी है। पीछे का एरिया भी अगर मैं दिखाऊं तो काफी अच्छा है। इस तरीके से हमारा सेकंड रूम आता है यहाँ पे, अगर हम बालकनी से जाएं तो ये हमारा सेकंड रूम है। इसकी भी आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं, ये एक यूनिक डिजाइन है फॉल सीलिंग का, जो आपका वॉल पे भी आ जाता है। आप देखेंगे ध्यान से इस तरीके से। तो ये हमारा सेकेंड रूम हुआ, सामने जो हमने दिखाया था ड्राइंग रूम या थर्ड रूम आप इसे यूज कर सकते हैं। और ये है हमारा यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम, यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पे बनाया गया है इस तरीके से। क्लियर? तो हम अगर ऊपर की तरफ चलते हैं, अब मैं स्पीडली मैं आपको ऊपर के भी फॉल सीलिंग डिजाइन और आपको टेरिस भी आपको दिखा देता हूं। We'll be right back.